गए 20 से 25 साल हो गए यहाँ पर पानी की समस्या है, और नगर प्रशासन ने यहाँ से गए 5 साल पहले ही नाली का सैंक्शन दिए थे, पर उन्होंने अभी तक काम किए नहीं है। कितने लोगों को यहाँ पर समस्या है? अभी जो है नई पाइपलाइन भी डाली गई, काफी कुछ इशू पूरे कामटी में पानी का हुआ, लेकिन यहाँ की समस्या क्यों दूर नहीं? यहाँ की पानी समस्या हल नहीं होने के लिए एकमात्र कारण है संदीप बोरकर जो कामटी का सीईओ है, उनके दिल में क्या है मन में क्या है वो किसी के सुनते नहीं, वो बावनकुंडे साहब की भी नहीं सुनते। नगर परिषद मुर्दाबाद। कंप्लेंट कभी नगर परिषद ने की, सीईओ के संज्ञान में सारी चीजें लाई? 10 से 12 बार कंप्लेंट की है और 15 से 20 साल से इन लोगों को पानी की समस्या है, तो ये पानी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, इसलिए हमने आने वाली 26 तारीख को और ये रमानगर वासियों के साथ में 8 से 10 लोगों ने आत्मदान का निर्णय लिया है। जिस तरह से इससे पहले मैं जो है कोलसा डाल परिसर के एक एरिया का बताया था जहां पर बरसों से पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, उसी तरह की समस्या प्रभाग 16 में देख सकते हैं। बड़ी तादाद में जो है यहां के नागरिक पूर्व नगर सेवक यहां पर मौजूद है। क्या समस्या है, कब से पानी नहीं आ रहा है, जानेंगे इनसे। क्या बताना चाहेंगे, कब से आप लोगों के एरिया में पानी नहीं आ रहा है? नमस्ते, मेरा नाम शंकर है। मैं देखिए यहाँ मैं तो जन्म से ही पैदा हुआ यही का ही हूँ। 20 से 25 साल हो गए यहाँ पर पानी की समस्या है, और नगर प्रशासन ने यहाँ से गए 5 साल पहले ही नाली का सैंक्शन दिए थे, पर उन्होंने अभी तक काम किए नहीं है। नीचे में तीनों खुद काम कर दिए मगर कम्प्लीट नहीं है, इसके लिए हम आने वाले 26 तारीख को आत्मदान का जो निर्णय लिए है पक्के में करेंगे। इसकी जो है तकरार, इसकी जो है कंप्लेंट वगैरह आप लोगों ने कभी, आप भी जो है पूर्व नगर सेवक के है यहाँ पर, कभी नगर परिषद ने की, सीईओ के संज्ञान में सारी चीजें लाई? 10 से 12 बार कंप्लेंट की है और 15 से 20 साल से इन लोगों को पानी की समस्या है, तो ये पानी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, इसलिए हमने आने वाली 26 तारीख को और ये रमानगर वासियों के साथ में 8 से 10 लोगों ने आत्मदान का निर्णय लिया है। क्या बताना चाहेंगे काकू, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? अभी 40 साल हो गए मैं रमानगर में रह रही, तो 40 साल हो गए। कब से पानी की समस्या है, क्या है इशू अभी? 40 साल से पानी की समस्या है, नल नहीं आते, हम महीने से पानी भरते थे इधर, फिर हमने अपने घर में नल लिए तो नल में भी पानी नहीं आता, ये पाइप लाइन डाल के रखे, रोड खोद के रखे, रोड ना बनता, ना गाड़ी आ सकती, ना साइकिल आ सकती, और नगर परिषद वाले। कब हुआ है काम ये सारा? अभी 2 साल हो गए, 6 महीने हो गए, 6 महीने का जमाना होगा बाकी, अभी तक की उनमें काम को बोले ठेकेदार को बोल रहे डायरेक्ट, हमने फोन लगाया शिव को, शिव डायरेक्ट बोल रहा है कि नगर परिषद में बोले लेबर नहीं मिल रही करके, तो हमने फिर भी उनको क्या बोले कि चाउड पे लेबर लोग रहते हैं, आप उनसे मंगाओ और ये काम पहले कराओ, हमारे ऑटो नहीं जाते, कुछ नहीं जाते सर, इतनी परेशानी है कि हद से ज्यादा, अब क्या बताओ सर तुम्हारे को। पूर्व नगर सेवक उज्जवल राय बोले भी हमारे साथ में है, काफी समय से आप यहाँ पर नगर सेवक रहे, कितने घर है, कितने लोगों को यहाँ पर समस्या है? अभी जो है नई पाइपलाइन भी डाली गई, काफी कुछ इशू पूरे कामटी में पानी का हुआ, लेकिन यहाँ की समस्या क्यों दूर नहीं? यहाँ की पानी समस्या हल नहीं होने के लिए एकमात्र कारण है संदीप बोरकर जो कामटी का सीईओ है, उनके दिल में क्या है मन में क्या है वो किसी के सुनते नहीं, वो बावनकुंडे साहब की भी नहीं सुनते। हमने यहाँ पर पानी पाइपलाइन के लिए दलित वस्ती निधि में 6 लाख रुपए मंजूर किए थे, वो मंजूर होके सैंक्शन होके फाइल नगर परिषद के कपाट में, लोकसभा इलेक्शन के दौरान हमने मतदान पे बहिष्कार का निर्णय किया था, तो बावनकुंडे साहब ने मध्यस्थी करने के बाद हमने मतदान किया, आचार संहिता खत्म होने के बाद में पाइपलाइन डाली गई, हमारी 2 पाइपलाइन की डिमांड है, एक ही पाइपलाइन डाली गई लेकिन वो मेन पाइपलाइन से जोड़ी नहीं गई। अच्छा। अगर वो 3 फीट की पाइपलाइन अगर जोड़ देते तो यहाँ की पाइपलाइन की पानी की समस्या पूरी तरह से हल होगी। बट क्या वजह है जो आप लोग बता रहे हैं अभी तक जो है छोटा सा जो काम है वो नगर परिषद द्वारा नहीं किया गया, 3 फीट की लाइन भी नहीं लगा? इसके बारे में तो सीओ साहब ही बोल सकते हैं, आप जानते हैं मैंने थालीनाद आंदोलन किया, मैंने घंटा बजाओ आंदोलन किया, उसके बाद में सीओ साहब को 10 से 12 बार, हर बार की मेरे पास में रिसीट कॉपी है। अच्छा। जो दलित वस्ती निधि में 6 लाख का काम सैंक्शन हुआ है, टेक्निकल सैंक्शन हुआ है, प्रशासकीय मंजूरी हो गई है, फिर भी काम नहीं किया गया। मैंने परसों के दिन सीएम साहब को मेल किया है। अच्छा। नागपुर के ही हमारे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, जिलाधिकारी विपिन जी इटनकर साहब, हमारे विभागीय आयुक्त मैडम बिद्री मैडम, इनको भी निवेदन दिया है कि 26 तारीख को हम आत्मदहन करेंगे, नगर परिषद या प्रशासन या कोई अन्य लोग इसे अन्यथा में मत ले, हम इसको जला के बताएंगे, अगर इस बार हमको पुलिस अरेस्ट भी करती है प्रिवेंटेशन एक्ट के तहत तो हम अभी जलेंगे, और अगर अभी हम जल नहीं पाए तो जलाएंगे। अच्छा।
तो एक भारी चेतावनी जो है सेवकों द्वारा दी जा रही है कि अगर आने वाले समय तक यानी कि 26 तारीख तक इस समस्या को हल नहीं किया गया, इस समस्या का निवारण नहीं किया गया, तो यहाँ के लोग पूर्व नगर सेवक सहित आत्मदाह की चेतावनी नगर परिषद को दे रहे हैं। जिस तरह से बताया गया कि काफी लंबे समय से पाइपलाइन डाली गई, लेकिन एक छोटा सा काम जिस तरह से बताया जा रहा है, 3 फीट की जो पाइपलाइन है वो मेन लाइन से जोड़ने के लिए भी जो है नगर परिषद द्वारा मुख्य अधिकारी द्वारा जो है एक लंबा समय लिया जा रहा है, जो समस्या है, जो पानी की समस्या है, अगर 3 फीट की लाइन जोड़ दी जाए तो पानी की समस्या ये रमई नगर में जो है वो सॉल्व हो सकती है। अब सवाल ये है कि आखिर कब तक जो है यहाँ के लोग, कामटी के अलग अलग परिसर के लोग पानी की समस्या से जूझते रहेंगे, एक बड़ा सवाल नगर परिषद के ऊपर है। आगे की न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए एनजीपी न्यूज के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम टू M&M ब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिफाइड और डेडिकेटेड टीचर्स, सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट के साथ मिलेगा। इस्लामिक कल्चर और बच्चों के माइंड और फिजिकल ग्रोथ के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज, बिल्डिंग अ प्रॉस्परस कम्युनिटी, इंस्पायरिंग अ बेटर फ्यूचर। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ले आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी। इस वीडियो के प्रायोजक हैं सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक, ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस वो भी 0% फाइनेंस पर। विजिट करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने कामटी।